हेलो फ्रेंड्स, गीतांजलि देसी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ केले की चिप्स, कच्चे केले की। तो फ्रेंड्स, मैं तो देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। मैंने पहले कच्चे केले को, मैंने 4 कच्चे केले लिए थे, उनको चिप्स बना लिया इस तरीके से। और फ्रेंड्स, 1 चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा चाट में, और मिर्ची आधी चम्मच, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना आप काली मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, तो फ्रेंड बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, एक एक करके ऐड करते जाएंगे। देखिए फिर इस तरीके से मैंने चिप्स ऐड कर दिए। अब इनको थोड़ा सा हम फ्राई होने देंगे। इसको धीमी आंच पे हम इसी तरीके से फ्राई होने देंगे। फ्रेंड देखिए, चिप्स का कलर जो है वो चेंज हो गया है। मैंने एक प्लेट पे अखबार लगा लिया है, आप चाहे तो टिश्यू पेपर भी लगा सकते हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे चिप्स निकाल लेंगे। देखिए भाई, इस तरीके से मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। बनाना शुरू करती हूँ बाकी की चिप्स। इसी तरीके से सारे ऐड कर दूंगी। देखिए फिर इस तरीके से मैंने सारी चिप्स ऐड कर दी है। अब फ्राई होने देंगे थोड़ा सा गोल्डन। देखिए फ्रेंड्स, फ्राई हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे। सारे निकाल लेंगे हम। देखिए भाई, इस तरीके से सारे चिप्स मैंने बना लिए हैं। अभी इनके अंदर मसाले ऐड करेंगे। एक नींबू ले लेंगे हम। मैंने नींबू का रस निकाल लिया है। फ्रेंड्स, एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर सारे चिप्स ऐड कर देंगे हम। देखिए फ्रेंड, एक बाउल में मैंने ऐड कर दी। मैं आपको एक चिप्स दिखा देती हूँ, देखिए कितनी क्रंची बनी है। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे हम। ऐड करेंगे फ्रेंड्स चाट मसाला, लाल मिर्च। लाल मिर्च ऐड कर दिया फ्रेंड मैंने। आप इसके अंदर नींबू का रस ऐड कर दिया मैंने, और नमक, नमक मैंने ऐड कर दिया। अब अच्छे से मैं मिला लूँगी। देखिए फ्रेंड, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मैं इसको एक बाउल के अंदर निकाल लूँगी। देखिए फ्रेंड, केले के चिप्स बन के रेडी है। अगर आपको केले के चिप्स बनाने की रेसिपी पसंद आए तो गीतांजलि देसी किचन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। बहुत टेस्टी होती है, आप बना के जरूर खाइएगा। देखिए फिर कितनी अच्छी लग रही है देखने में। देखिए बहुत टेस्टी लगती है खाने में, आप बना के जरूर खाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। जल्दी ही बन के तैयार हो जाती है, आप बना के जरूर खाइएगा, और बच्चों को बना के जरूर खिलाइएगा। बहुत टेस्टी होती है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो उनको बना के जरूर खिलाइएगा, बहुत टेस्टी होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।